नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन दिनों हम लोगों ने दिल दहलाने वाली एक घटना सुनी कि आफताब ने 35 टुकड़ों में श्रद्धा को बांट दिया। अगर आपकी कोई चहेती टी शर्ट भी होगी ना, तो भी आप उसके 35 टुकड़े करने से पहले 10 बारी सोचोगे। इस लड़के ने एक जिंदा लड़की को 35 टुकड़ों में बांट दिया। और सच कहूं तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन इस लड़की के लिए मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। उसकी वजह यह है कि लड़की या जो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मानती है और जो बोलती है मेरा वाला ऐसा नहीं है, इनके वाले ऐसे ही होते हैं, पंचर छाप, ये उसको समझने की बहुत जरूरत थी। दूसरी बात कि मैंने अपने आगे वाले वीडियो में बहुत सी बार बोला है, ये जो लड़की, जो श्रद्धा जो मर गई, क्या उसके माँ बाप लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? क्या उसके दादे, परदादे, चाचा, चाची, मामा, मामी, ये सब लोग क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? तो किस चीज की इतनी आजादी आप लोगों को चाहिए? मैं हमेशा बोलती हूँ कि नॉर्मल लड़कियों, स्पेशली हमारी लड़कियों पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का असर है तो एकता कपूर की सी ग्रेड सीरियलों का असर है। और ये बॉलीवुड भांडों ने जिस तरीके से लव जिहाद को जिस तरीके से पनपने दिया है, सबसे बड़ा उदाहरण है ना, इस वजह से हमारे समाज में ये सब हो रहा है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, लड़कियों को हर तरीके से आप होशियार बनाओ, स्मार्ट बनाओ, लेकिन उनको इतनी दिमाग से पैदल मत बनाओ कैसे पंचर छाप और बकरीबाज के पीछे ना आपकी बेटियां पागल हो जाए। जिन लोगों को आपकी बेटी को, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि कोई उसकी गिनती ही नहीं है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, वहां जाकर आपकी बेटियां नाक रगड़ती है, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा खराब हो ही क्या सकता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का फॉल्ट है तो वो उसके माँ बाप का है। क्यों आपकी लड़कियां आपके सामने इस तरीके से आपके मुंह पर कालित पोत कर चली जाती है? क्यों आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी लड़कियों को पूछ सको कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, किसके साथ बात कर रही हो? वो आपका अपना खून है, आपकी खुद की बेटी है जिसको 22 साल आपने पाला है। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोला, सहानुभूति इस लड़की के लिए मुझे इसलिए नहीं है, जो 22 साल माँ बाप अपनी बेटी को हाथ पकड़कर चलाते हैं, मुंह मांगी चीजें लाकर देते हैं, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन अगर वो लड़की सिर्फ एक चीज के लिए अपने माँ बाप को लात मारकर चली जाती है, तो उस लड़की के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की सहानुभूति किसी को भी होनी चाहिए। और बहुत समझने वाली बात है कि जो लड़कियां यहाँ सब्जी लेने तक नहीं जाती है, एसी के बगैर सोती नहीं है, शॉर्ट्स के सिवाय कपड़े नहीं पहनती है, वैसी लड़कियां हर एक चीज में कॉम्प्रोमाइज कर ऐसे पंचर छाप के वहां कैसे जी लेती है? सबसे बड़ी तो हमारे में ये समझने वाली बात है कि हम कहाँ पर फेल हो रहे हैं हमारी लड़कियों को समझाने में। हमको धर्म के संस्कार नहीं देने हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि धर्म के संस्कार देने से वो उल्लू लगेंगे या बहुत ही रिजिड लगेंगे ये लोग। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये प्री वेडिंग के भवाड़े, ये प्री प्रेगनेंसी शूट, क्या आपको लगता है कि 25 साल पहले ये सब ये गंदगी थी? मैं तो इसको गंदगी ही नाम देती हूँ। क्या है ये प्री वेडिंग शूट? किसको दिखाना है तुम्हें अपनी बाहों में बाहों डालकर अपने पति के साथ? मतलब ये सब चीजें तुम अपनी प्राइवेसी लोगों को स्क्रीन पर दिखाकर, माँ बाप भी खुश हो रहे हैं कि प्री वेडिंग में उन लोगों ने 10 लाख रुपया खर्चा किया, तुम अपनी बेटी की ना नुमाइशें करते हो, ये चीज तुम समझ लो। तुम कतई मॉडर्न नहीं लग रहे हो, तुम अपने पैसों के जरियो से ना लोगों को ये मत दिखाओ कि हम मॉडर्न है। तुम एक नंबर के गवार हो जो अपनी बेटी की ऐसी तस्वीरें ना स्क्रीन पर लगाते हो और लोग मजे लेकर देखते भी है। ये प्री वेडिंग एक नंबर का भवाड़ा है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। और ये आगे चलकर अभी भी मैं बोल रही हूँ, ये फोटोज क्या मॉर्फिंग होंगे आपकी बेटियों के, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये प्री प्रेगनेंसी शूट, क्या 25-30 साल पहले लोग ये प्री प्रेगनेंसी शूट नहीं कराते थे तो क्या बच्चे नहीं जनते थे? तो मतलब अभी अगर आपने प्री प्रेगनेंसी शूट नहीं कराया तो आपका बच्चा पैदा नहीं होगा? लोगों को यह नहीं लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हो? मतलब लोगों को दिखाना आपके लिए इतना जरूरी है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकोगे? मतलब सच में मुझे कभी कभी ना अपने लोगों पर हंसी आती है कि कितनी हद तक हम लोग नकल करने में हम लोग अकल के अंधे हो रहे हैं। हमारी बेटियां जहन्नम में जा रही है, मर रही है, लेकिन हमें उससे बाहर कैसे आना है ये हम नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर बाजू वाला कुछ कर रहा है तो उससे बेहतर और उससे कितनी हद तक हम नंगेपन पर गिरकर अपने आप को मॉडर्न दिखाए ना, उसकी एक कॉम्पिटिशन लगी पड़ी है। और ये हकीकत है, और ये जब तक ये बंद नहीं होगा ना, ये देख दिखाई जब तक ये बंद नहीं होगा ना, बेटियां इसी तरीके से मरती रहेगी। जब तक आपकी बेटियों को धर्म के संस्कार नहीं समझ में आएंगे, माँ बाप की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, आपकी बेटियां कभी आपकी नहीं होगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ,
अगर आपको ये सब चीजें करनी है, अपनी बेटियों को पहले दिन से समझाना पड़ेगा कि कौन उनकी लाइफ में सही है और कौन गलत है। आज मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, सोशल मीडिया बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने टैलेंट को दिखाओ। सोशल मीडिया का अंधाधुंध मिसयूज हो रहा है। आप लोग देखो, इंस्टाग्राम एक अड्डा बन चुका है जहाँ लड़कियों को पर्सनल में जाकर मैसेज करना, लड़कियों फिर उनके साथ इन्वॉल्व होती है, फिर यही सब धंधे चालू होते हैं। एटलीस्ट एक माँ बाप होने के नाते क्या आप अपनी बेटी को पूछ नहीं सकते हो कि तुम क्या कर रही हो, तुम किससे बात कर रही हो? अगर उसमें भी अगर आपकी बेटी को बुरा लग जाता है और वो अगर आपको मरने की या मारने की धमकियां देती है, इसका मतलब आप सबसे बड़े फेलियर हो एज अ पेरेंट। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपने बच्चों को कुछ एक लोगों से दूर रखें ताकि ये घटनाएं आने वाले दिनों में ना बने। और ये फ्रीडम वाली ये जो चीजें है ना, माफ कीजिएगा, ये कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है? मैं अभी भी बोल रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप ये कोई मतलब जिसको बोलते हैं ना कि वैल्यूएबल, कोई समाज में एड वैल्यू एड करने वाला कोई रिश्ता नहीं है। इसको देशी भाषा में ना बहुत गंदी गाली बोला जाता है, जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो आप अपनी बेटी को ना उस लेवल पर मत भेजिए, लिव इन रिलेशनशिप के सो कॉल्ड नाम के ऊपर। मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसको बहुत ही गंदे वर्ड में एक लड़की को डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप अपनी बेटी को अगर उस वर्ड में फिट करना चाहते हो ना, तो ये लिव इन विविन के भवाड़े आप लोग उसको सिखाना। जो भी माँ बाप बेटी के माँ बाप है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी बेटियों को समझाएं क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। उनको धर्म के संस्कार दें, उनको सही लोगों की पहचान सिखाए। अदरवाइज आपकी बेटियां आए दिन इस तरीके से मरती रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। नमस्कार।